यह है धनौती नदी। कभी मोतिहारी शहर के सारे पानी के निकासी का एकमात्र यही रास्ता था, लेकिन अब इसका अतिक्रमण हो गया है। अभी जो ये आप चौड़ाई इस नदी का देख रहे हैं, वस्तुतः यह चौड़ाई नहीं है, इसकी चौड़ाई 15-20 फीट तक सीमित हो गई है और इसने नाले का रूप ले लिया है। ये तो पानी का जल स्तर इतना बड़ा है कि आसपास के क्षेत्रों में इसका फैलाव हो गया है, जिसके चलते यह ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए, वो सामने रघुनाथपुर पुल है। इसी नदी के बहाव के कारण कुछ वर्षों पूर्व जो लकड़ी की पुल थी वो ध्वस्त होने की स्थिति में था, तब ये नया पुल बना। पानी के बहाव की तेज़ी आप देख सकते हैं, और उसका एकमात्र कारण यह है कि दोनों तरफ से जो अतिक्रमण हुआ है उसके चलते पानी का बहाव रुकने लगा है, और उसका खामियाजा आज के दिन में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये गोपालपुर पश्चिमी मोहल्ला है। धनौती के पानी का जो स्तर है वह बढ़ के और ये पूरे मोहल्ले में फैल गया है, और 2 फीट से 4 फीट तक, कहीं कहीं जो निचला इलाका है वहाँ तो 6-6 फीट तक पूरा एक मंजिल जो मकान है वो पानी में डूब चुका है। देखिए, ये मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रही है। मोटरसाइकिल की क्या स्थिति है आप इसी से समझ सकते हैं कि पानी का स्तर कितना होगा। आवागमन भी लगभग बाधित है, गाड़ियाँ अब नहीं चल पा रही हैं, इस मोहल्ले में नहीं आ पा रही है। जिसकी गाड़ी जो घर में है वो घर से बाहर लेकर किसी भी ज़रूरी काम के लिए भी नहीं निकल सकता है। लोगों ने जो अतिक्रमण किया है उसका खामियाजा तो खुद उनको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, ये सड़क पे पानी बह रहा है, और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह अखबार वाले को कितना कष्ट हो गया है। धनौती का पानी सड़क को पार करके और पूरे मोहल्ले में घुसता जा रहा है। तो देखा आपने, पानी का बहाव बहुत तेज है और बहुत तेज़ी से मोहल्ले की तरफ घुसता आ रहा है। एक दूसरा कारण यह भी है कि नगर प्रशासन जो है, इन्होंने ससमय नालों की उड़ाही नहीं की, जिसके चलते पानी का जो और भी रास्ता था जो शहर से पानी का निकासी करता था वो सारे रास्ते बंद हैं। स्वाभाविक है कि पानी चारों तरफ फैल गया है। और अब ये देखिए, वो एक कहावत है, एक तो करेला उस पर नीम चढ़े, एक तो पानी। पानी के चलते सड़कों का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, और उस पर इस जलनल योजना ने तो और भी कबाड़ा कर दिया है। जो मोहल्ला है उसका ये मेन गली है जिससे सैकड़ों परिवार आते हैं जाते हैं। इकट्ठा किया हुआ है, एक महीना हो गया, एक महीना लगभग हो गया। कई ठो गाड़ी गिर गया इसमें, और इसमें नल जल योजना ने गड्ढा कर दिया, पाइप भी पूरी तरह नहीं बिछाई, और लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया इसको इसी स्थिति में। अब तक कई लोग इसमें गिर चुके हैं, मोटरसाइकिल गिर चुकी है, 4 चक्का का आना जाना मुहाल हो गया है। ऐसे में अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, आपातकाल हो जाए, तो वो कैसे जाएगा यह भी सोचने वाली बात होगी। तो इस जल नल योजना ने तो जल जल कर दिया, पानी पानी हो गया पूरा शहर। ये छतौनी मेन रोड है, मेन रोड ऊंचाई पर होता है, और जब यहाँ की ये स्थिति है तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के निचले इलाकों का क्या हाल होगा। अब आप बताइए, आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है, और प्रश्न ये कि शहर में पानी है या पानी में शहर है।
अब आपको समझ में ये नहीं आएगा कि मोतिहारी में पानी है या पानी में मोतिहारी है। ग्रामीण इलाकों की बात तो छोड़ ही दीजिए, ग्रामीण इलाकों में तो कमर से ऊपर तक पानी है। मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थान पर या सड़कों पर NH पर आके शरण लिए हुए हैं किसी तरह अपनी जान को बचाने के लिए। सरकारी आगे बढ़ी लोग जो सहायता है वो अभी मुहैया नहीं।